मैं करता हूँ एक रिकॉर्डिंग में हूँ एक्चुअली। तो आज आपके वापस म्यूजिक गाने वाले हैं, ठीक है, तो इसकी शुरुआत मतलब कैसे करने वाले हैं आप? मैंने अभी तक गाना सुना नहीं है, लेकिन मैंने फ़ोन पे एक हल्की सी एक झलक सुनी थी गाने की, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक्साइटेड हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा गाना गाने के लिए बुलाया गया है। थैंक्स टू गूफी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा कंपोज हुआ है गाना और इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो फ्राइडे के दिन ये कोइंसिडेंटली हो गया, पता नहीं था कि ना फ्राइडे के दिन करेंगे, लेकिन देखिए लिखा होता है हर चीज़ का, तो आज क्योंकि फ्राइडे का दिन है, एक स्पिरिचुअल डे होता है, और मैं गाना भी कुछ स्पिरिचुअली गाने के लिए आया हूँ, और मेरा ड्रेस भी देख रहे हैं आप कि मैं कुर्ता पजामा पहन के आया हूँ, तो पूरा एक है ना फील लेके आया हूँ, और आई एम श्योर कि वो फील इस गाने में उतरे। इस गाने में अलग क्या है? आई एम सो सॉरी, वो मैं पता नहीं, गाना गाने के बाद मैं बता सकता हूँ कि गाने की कंपोजिशन कैसी है या गाने की लिरिक्स कैसे हैं या गाने का अरेंजमेंट कैसा है। फिलहाल मैं गाना गाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और बस शुरू करते हैं बस अभी। थैंक्स। बाद में ले लेंगे क्या प्लीज? तो आज आप वापस सिंगर से म्यूजिक डायरेक्टर में कैसे मतलब चेंजिंग हुआ? देखिए अब एक साथ दोनों से। हाय, मैं हूँ जावेद अली, TV24 देखने वाले सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो रट्टा मार के आते हैं घर से। म्यूजिक डायरेक्टर में कैसे चेंजिंग? देखिए सभी को पता है कि मैं पहले सिंगर था, लेकिन अभी म्यूज़िक डायरेक्शन में आया हूँ। अभी ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे मेरा मतलब कुदरती है, मेरे ऊपर वाले ने दिया है कि मैं कंपोज बहुत अच्छा कर लेता हूँ। ऊपर वाले की मेरे ज़्यादा सीखा नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है। तो बोला कि ये दुखद बात है, मतलब कि सिंगर से म्यूजिक डायरेक्टर में आया हूँ। दुखद मतलब इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि आजकल पता है क्या हो रहा है, आजकल सिंगर्स क्या होता है, एक म्यूजिक डायरेक्टर जब सिंगर्स को बुलाता है डेमो के लिए बुलाता है, ठीक है ना, उसके बाद 10 सिंगर गा के जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता होता कि सिंगर को हमारा गाना फिल्म में रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। तो इसी पड़ाव से हम गुजर के जा चुके हैं जो कि हम भुगत चुके हैं, तो यही बात है, यही मैं आपको स्टार्टिंग में पहले बोला था कि ये मेरे लिए दुखद बात है। लेकिन मैं वैसे कभी म्यूजिक डायरेक्शन आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आया, लेकिन अब सिंगिंग थोड़ा कम करूंगा। आप मत गवाइएगा 10 सिंगर्स को। हाँ, मैं नहीं गवाऊंगा। ये मतलब सूफी गाना है और जावेद भाई को ध्यान में रख के मतलब कंपोज किया गया है। तो जावेद भाई को ही क्यों सिलेक्ट किया गया इस गाने के लिए? जावेद भाई मतलब सूफी, मतलब जावेद भाई नाम ही काफी है। दो लोगों की म्यूजिकल लव स्टोरी है, बहुत प्यारी सी प्रेम कहानी है, और ये दो करेक्टर हैं सूफी और सलाम, जिनके ऊपर एक फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है। इसका एक सेंटर करेक्टर है जो ये फिल्म बना रहा है, एक डायरेक्टर, उसने इस फिल्म का नाम रखा है सूफी सलाम। तो सूफी सलाम में कहीं ना कहीं कैरेक्टर में भी है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जुमा का दिन है, जावेद अली और ऐसे गाने क्या मतलब? ये एक अचानक नहीं है, ये मैं भगवान का एक वरदान या एक उनकी क्रिएटिविटी, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिएटिव ऊपर वाला है, और उनकी एक क्रिएटिविटी बोलूँगा कि आज जुम्मा भी है, मेरी फिल्म का नाम सूफी सलाम भी है, और मेरा गाना मौला मौला और वो जावेद अली साहब गा रहे, तो इट्स ऑल कॉम्बिनेशन जो है वो ऊपर का बनाया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया उसमें। ये प्लानिंग था या नहीं था ये तो ऊपर वाला जानता, लेकिन प्लानिंग नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया है। उसके बारे में अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। टाइटल बस ऐसे आ गया बात ही बातों में, और स्क्रिप्ट के हिसाब से ये परफेक्ट लगा, इसलिए हमने टाइटल दिया सूफी सलाम।